कोरोना के बाद अब नीमच में कोहो की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मूलचंद मार्ग सहित शहर के तीनों थानों क्षेत्र में मांस मीट एवं मछली की दुकानें बंद करा दी गई, जिसको लेकर शुक्रवार को मछली विक्रेता संघ द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि नीमच में बर्ड फ्लू के कारण मांस एवं मीट मटन की दुकानें बंद कराई गई है। उन्हीं के साथ मछली विक्रेताओं की दुकानें भी बंद की गई है, जबकि मछली पानी में रहती है और पानी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती। ऐसे में मछलियों की दुकान बंद करवाने के कारण हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मछली विक्रेता संघ ने ज्ञापन में मांग करी है कि जिला प्रशासन अपने आदेश पर एक बार फिर विचार करे एवं मछली विक्रेताओं को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करे। मछली की दुकानें बंद कर दी गई है और हम सब गरीब मछुआरे परेशान हो रहे हैं। कोई उसके अलावा और कोई हमारा कमाने खाने का साधन नहीं है। हमारे दुकान बंद करने से हमारे बाल बच्चों के ऊपर संकट आ गया है, उनकी शिक्षा परेशान हो रहे हैं लोग। अब हम चाहते हैं कि इसके तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके जो भी करें और हमारी दुकान तुरंत खुलवाए। पानी के बाहर रहने वाली चीज़ों में ये बर्ड फ्लू फैल सकता है, लेकिन पानी के अंदर रहने वाली मछलियों में तो पानी के प्रभाव से ख़त्म हो जाती है बीमारी। और ये लोगों का स्वास्थ्य सही होता है इसको खाने से, तो डॉक्टर को सलाह देते हैं कि इसको खाने से स्वास्थ्य सही होगा। तो हम चाहते हैं, हम तो लोगों का स्वास्थ्य सही देखना चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारी दुकानें खुलें ताकि हम हमारा रोजगार हमारे बाल बच्चे पाल सके, कमा के खा सके।